हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेलोजी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज है ये अपने पास सीएल का इंडक्शन, जिसका प्रॉब्लम है कि ये ऑन तो हो रहा है लेकिन हीट नहीं हो रहा है, गर्म नहीं कर रहा है। आज अपन इसी समस्या को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चेक कर लेते हैं अपन इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया है। स्क्रीन टच पैनल है इसका, तो ये देखिए हीट नहीं हो रहा है, सब काम कर रहा है, टेम्परेचर अप डाउन सब है लेकिन हीटिंग नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल भी पानी हीट नहीं हो रहा है। आज अपन इसी प्रॉब्लम को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, खोल के इंडक्शन को देखते हैं फ्रेंड्स क्या है प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन कॉइल को हटा लेंगे। अपन सबसे पहले कोई भी अपन चीज़ ठीक करते हैं तो एक बार उसको फिजिकली हमें देख लेना चाहिए, उसकी पीसीबी क्यों, खासकर ऐसी जब प्रॉब्लम हो कि ऑन हो रहा है और हीटिंग नहीं हो रहा है, तो इंडक्शन में खासकर तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं कोई ड्राई सोल्डिंग वगैरह की कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो अपन सबसे पहले पीसीबी को फिजिकली देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। ये एक प्रॉब्लम फाउंड हुआ है, ये देखिए ड्राई सोल्डिंग आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए एकदम ड्राई सोल्डिंग है। तो ऐसे में इसका मतलब ये ड्राई सोल्डिंग इतनी अच्छे तरीके से हुआ है तो मतलब कोई ना और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने को वो भी टेस्ट लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसका रेक्टिफायर भी टेस्ट ले लेंगे और आईजीबीटी का भी टेस्ट कर लेंगे ऐसी कंडीशन में, और ये कैपेसिटर भी देख लेंगे कहीं से नीचे से फटा तो नहीं है, जो ये इतना ज़्यादा लूज सोल्डिंग हुआ है इसका। तो अपन कैपेसिटर सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं कि फटा तो नहीं है। तो देखिए कैपेसिटर तो दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, अपन मल्टीमीटर से एक बार चेक और कर लेंगे। अपन मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे, कोई रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। अगर अपना कैपेसिटर ठीक है तो कोई रीडिंग इसमें शो नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है, प्लट के भी अपन चेक कर लेंगे, मतलब कैपेसिटर अपना ठीक है। साथ में इसको दोबारा से लगाने से पहले अपने को आईजीबीटी का भी टेस्टिंग ले लेना है और रेक्टिफायर का भी टेस्टिंग कर लेना है। तो मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे रखूँगा, ये आईजीबीटी है, ये रेक्टिफायर है, मैं इसका टेस्टिंग ले ले रहा हूँ। ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ये देखिए रीडिंग शो हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। ये देखिए अपना रेक्टिफायर तो ठीक है, और ये अपन आईजीबीटी का भी अपन टेस्टिंग ले लेते हैं यहाँ से। बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये देखिए किसी प्रकार की बीप की आवाज़ नहीं आई है। हालांकि ये चीज़ बाहर निकाल के टेस्ट की जाती है, लेकिन बाहर हम तब निकालेंगे जब बीप की आवाज़ आएगी, तब अपन बाहर निकाल के टेस्टिंग लेंगे, तो मतलब ये ठीक है। तो अब अपन इसको कैपेसिटर को लगा देते हैं दोबारा से और अच्छे से सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से पहले ये देखिए इस पर कार्बन उर्बन टाइप का भी आ गया है, ये लैग एकदम साफ दिख रही होगी आपको, और ये ब्लैक हो गई है। तो पहले इसको साफ करके फिर सोल्डिंग करेंगे, नहीं तो फिर ड्राई सोल्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये स्पार्किंग यहाँ होने की वजह से ये प्रिंट भी यहाँ से जल गया है, तो अपन यहाँ से यहाँ एक जम्फर भी साथ में लगा देंगे। वायर की मदद से मैंने अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है, अब अपन इसकी एक बार टेस्टिंग ले लेते हैं।
तो हम इसे अभी भी सीरीज में ही एक बार इसका टेस्टिंग लेंगे। तो मैं इसको सीरीज में टेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लफ अपना लोड लेने लग गया है, तो इसका मतलब अपना इंडक्शन चालू हो गया है। तो अपन इसको सीरीज से हटा के फुल में लगा देंगे। तो मैं इसको फुल में लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने फुल में लगा दिया है, अब हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए इंडक्शन अपना चालू हो गया है। ये देखिए पानी अपना तुरंत ही गर्म होने लग गया है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।